हेलो गाइस, मेरा नाम सुधीर इंगले है और मैं आर्किडेम गेमिंग कैफ़े नीरुल का ओनर हूँ। जब मैं कॉलेज में था, मैं बहुत कॉलेज बंक मार के साइबर कैफ़ेज़ में जाके, गेमिंग कैफ़ेज़ में जाके डोटा खेला करता था। उसकी वजह से मेरा एकेडमिक्स पे काफ़ी असर पड़ा और एक पॉइंट आ गया था इवेंचुअली मेरे लाइफ में कि मुझे लगा कि मेरे लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, ना मैं ई स्पोर्ट्स में कुछ प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ और ना मैं मेरे लाइफ में कुछ आगे कर पा रहा हूँ। तो फाइनली एक दिन मैंने ऐसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं एक मेरा खुद का गेमिंग कैफ़े खोलूँ। और फिर मैंने बहुत चक्कर मारे, मैं मेरे बाइक निकाल के हर जगह घूमता था, मैं नेरुल आके पूरे चक्कर लगाता था। नेरुल मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट लगा था क्योंकि मेरा कॉलेज भी नेरुल में था, इसीलिए मैंने नेरुल में काफ़ी रिसर्च किया। फिर मेरे को एक जगह मिली जहाँ पर मेरे को लगा कि मेरा कैफ़े बहुत अच्छे से चलेगा और फिर मैंने एजेंट को कांटेक्ट करके दुकान फाइनलाइज़ किया। और फिर जब मैंने अपने मॉम को मेरे गेमिंग कैफ़े खोलने के बारे में जब मैंने बताया तो मेरी मॉम टोटली अगेंस्ट थी उसके, उन्हें कुछ पता नहीं था कि गेमिंग क्या होता है। फिर मैंने इवेंचुअली उनको समझाया कि ई स्पोर्ट्स कैसे ग्रो कर रहा है अपने, ना ही अपने कंट्री में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में ई स्पोर्ट्स कितना आगे बढ़ रहा है। और फिर मेरी मॉम बहुत डाइसी थी मेरे डिसीजन से, बट मैंने मेरे फ्रेंड्स और फैमिली से थोड़ा बहुत पैसा उठाया और एक रिस्क लिया और मैंने एक गेमिंग कैफ़े खोला। गेमिंग कैफ़े खोलने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं था, मैं सोचता था कि शायद मैं ही मेरे गेमिंग कैफ़े में खेल के मैं मेरा ई-स्पोर्ट करियर खुद को ऊपर में लेके आऊँ, एंड ऑल्सो मैं और दूसरे सारे भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अच्छे पीसीज और अच्छे सेटअप के साथ खेलने, उनको भी मैं एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दूँ। जब भी मैंने मेरा कैफ़े खोला तो मैंने मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रखी थी कि मैं जो भी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, मेक श्योर करूँगा कि जितने भी लोग आते खेलने के लिए और जो लोग ई-स्पोर्ट्स अपने दिमाग में सोच रहे उनको एक कंफर्ट मिले और उन लोग आसानी से एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस वो लोग अपना करियर परस्यू कर सके ई स्पोर्ट्स में। इनिशियली तो काफ़ी डाइसी सीन्स था, मॉम बहुत कंफ्यूज थी कि ये मैंने करना चाहिए या नहीं। इनफैक्ट फनी पार्ट ये है, मेरे डैड को अब तक पता नहीं है कि मैं गेमिंग कैफ़े का ओनर हूँ। गेमिंग कैफ़े में जाके खेलना, लैन पे खेलना, ये कल्चर थोड़ा कम हो गया है क्योंकि आजकल हर एक बंदे के जेब में, बच्चे से लेके बूढ़े के पास एक स्मार्टफोन आ गया है। स्मार्टफोन आजकल बहुत ईजी टू परचेज हो गए, आप फाइनेंस पे खरीद सकते हो बहुत ईजी फाइनेंस पे। और स्मार्टफोन आने के बाद सिर्फ स्मार्टफोन ही ईजिली टू परचेज नहीं हुए, इंटरनेट भी काफ़ी सस्ते में मिलने लग गया है। तो आजकल जब भी किसी भी बंदे को जब टाइम मिलता है वो अपने जेब से अपना फ़ोन निकालता है और वो मोबाइल गेमिंग करना चालू कर देता है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि लैन का कल्चर थोड़ा डाउन हो गया है, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है इवन दो लैन का कल्चर कम हो गया है, ई-स्पोर्ट्स का वैल्यू बढ़ गया है। क्योंकि पहले जब मैंने मेरा कैफ़े खोला था मुझे लोगों को समझाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था कि ई-स्पोर्ट्स क्या है, वेराइज मोबाइल में कम्पिटिटिव गेम्स आने की वजह से लोगों को ई स्पोर्ट्स के बारे में टोटली पता चल गया क्या होता है। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे लोग आके ई स्पोर्ट्स का सिनेरियो बताते हैं कि कौन से इवेंट्स कहाँ हो रहे हैं। कभी कभी मुझे भी पता नहीं होता कि मोबाइल इवेंट्स वगैरह कैसे हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं। ये सुन के काफ़ी अच्छा लगता है कि ई स्पोर्ट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जब मैंने कैफ़े खोला तो मैंने सोचा कि मैं मेरे अब गेमिंग स्किल्स को पॉलिश करूँगा, मैं एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर शायद से बन पाऊँगा। अनफॉर्चुनेटली शायद मैं उतना बड़ा प्लेयर बन नहीं पाया, बट कैफ़े खोलने के बाद मैं काफ़ी अच्छे लोगों से मेरी कम्युनिटी में पहचान हुई, जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इवेंट्स में पार्टिसिपेट ना करूँ बट एट द सेम टाइम मैं इवेंट में एज अ ऑर्गेनाइज़र या एज अ पार्टनर काम करने का मुझे मौका मिला। वो इवेंट का नाम था इंडियन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप, वहाँ पर मैंने प्रोडक्शन संभाला और मेरे पीसीज वहाँ पे इवेंट पे गए हुए थे। और ISC के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ एज अ ऑर्गेनाइज़र या एज अ पार्टनर रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैंने काफ़ी सारे छोटे इवेंट्स में भी काम करना चालू किया। जैसे कि यहाँ के नवी मुंबई के लोकल कॉलेजेस में मैंने सामने से मेरे पीसीज देना चालू किए, मैंने स्पॉन्सरशिप देनी चालू की, उन लोग इन रिटर्न उन लोग मुझे प्रमोशन देते थे, जिससे मेरा काफ़ी फ़ायदा हुआ। सिर्फ कॉलेजेस में भी नहीं, मैंने अपने खुद के कैफ़े में भी छोटे मोटे टूर्नामेंट्स रखना चालू किए। एक टाइम था जब भी CS 1.6 और Dota 2 जब बहुत बूम होना चालू हुआ था, कैफ़े में एक LP का कल्चर चालू हुआ था जहाँ पे 5v5 मैचेस होते थे कैफ़े में और बहुत मज़ा आता था, जो हारता था वो जीतने वाले के पैसे भरता था कैफ़े का। वो कल्चर कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन हो रहा था, तो मेरे कैफ़े में अभी हम लोग ने डिसाइड किया है कि मेरे कैफ़े में बहुत अच्छे डोटा प्लेयर्स आते हैं, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग हर संडे वो LP का कल्चर लेके आते हैं कैफ़े में और हर संडे हम लोग डोटा LP खेलते हैं। MESC के बारे में जब मुझे पता चला तब मुझे बहुत खुशी हुई कि इन लोग लैन कॉन्सेप्ट को फिर से ऊपर लेके आ रहे। पिछले कई साल से सारे टूर्नामेंट मोस्टली मेजोरिटीली
ऑनलाइन पे चल रहा है और ये टाइम लोगों को लैन पे खेलने का मौका मिलेगा। और सबसे हार्डकोर चीज़ तो है फेज 3, जहाँ पे टीम्स को एक दूसरे कैफे में जाके खेलने का मौका मिलेगा, जहाँ पे उन लोग नए कैफेज एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान सकते हैं।